फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और साथ में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। दोनों ही बैंकिंग सेक्टर के ये दिग्गज शेयर बहुत ही शानदार तरीके से अब दौड़ लगाने के लिए तैयार हो चुके। इनके जो टारगेट है बहुत ही ज़बरदस्त है और इनकी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो भी बता रही है कि अब ये बहुत जल्दी दोनों स्टॉक दौड़ने वाले हैं और इन शेयरों में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। तो क्या इस लेवल से एंट्री कर लेनी चाहिए और इनके आने वाले समय के टारगेट क्या है, साथ में कौन सा स्टॉक ज़्यादा दौड़ सकता है। SBI बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है तो क्या आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अभी या फिर अभी और थोड़ा वेट करना चाहिए। तो बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट के और ब्रोकरेज हाउस के टारगेट निकल कर आए हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले हम SBI की बात कर लेते हैं। SBI का स्टॉक फ्राइडे को 391 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 399 की, बिल्कुल 400 के पास से ये रिटर्न हुआ और ये लो में चला गया 385 के और एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 392.95 की, करीब 0.72% अप पर क्लोजिंग। आपको पता ही होगा फ्राइडे को भी बाज़ार में भी फ्लैट क्लोजिंग थी और बड़ी तेज़ी नहीं बनी थी, इसी हिसाब से इसमें भी तेज़ी नहीं बनी, वरना स्टॉक में बहुत ज़्यादा मजबूती थी और ये फ्राइडे को आगे जा सकता था और 400 के पार भी जा सकता था क्योंकि इसके अंदर जो चौंकाने वाले सबके टारगेट आ रहे हैं और SBI में बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, SBI अपने 52 वीक के हाई से फिलहाल सिर्फ 3.72% नीचे ही ट्रेड कर रहा है, बहुत जल्दी अपने 52 वीक के हाई को भी क्रॉस कर लेगा। और इस दौरान जब एक महीने के दौरान निफ्टी में सिर्फ 4.12% की ही बढ़त हुई है, उस दौरान SBI ने करीब 34.41% की ज़बरदस्त बढ़त दिखाई है, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर SBI ने। और इसके अंदर FII ने भी अपनी होल्डिंग ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दिया, दिसंबर के दरमियान 7.75% थी Q2 के दरमियान, उसको बढ़ा के कर दिया है 9.82%। और इसी तरह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, जो Q2 के दरमियान थी 33.24%, उसको बढ़ा के कर दिया है 34.9%। इसका मतलब FII और इंडियन जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो भरोसा कर रहे हैं SBI पे और उनको पूरा विश्वास है कि SBI में अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन रही है। और इसी को लेकर हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे के टारगेट है जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ में एक अपडेट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा SBI की बागडोर पहले रजनीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन अब उनका रिटायरमेंट हो चुका है। SBI के कारोबार को शानदार तरीके से बढ़ाया, SBI ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है उनके कार्यकाल में और उनकी मैनेजमेंट बहुत ही काबिले तारीफ थी और उन्होंने बहुत अच्छे से SBI को कंट्रोल किया, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके तो वो फ्री हो गए हैं, तो उन्होंने अब एक फिर से नई अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में एज ए एक्सक्लूसिव एडवाइज़र की पोस्ट के ऊपर ज्वाइनिंग ली है, तो अब वो अपनी सेवाएँ वहाँ पर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं टारगेट की तरफ। चॉइस ब्रोकिंग ने अपनी SBI पर बाय की कॉल को मेंटेन रखा है विद टारगेट प्राइस ऑफ 470। उनका कहना है कि SBI ने Q3 के दरमियान शानदार प्रॉफिट दिखाया है जो Q1 के हिसाब से 13.6% ज़्यादा है, साथ में स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एलोंग विथ बिजनेस ग्रोथ ऑफ 7.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस, साथ में एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और साथ में NPA में Q2 लगातार गिरावट हो रही है। देखिए, सारे के सारे जितने रिसर्च एनालिस्ट हैं और जितनी रेटिंग एजेंसी है वो बाय करने के लिए कह रहे हैं, SBI को बहुत ही ज़्यादा मजबूत लग रहा है और इसने अपनी सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा सुधार किया है, एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट अच्छा हुआ है, साथ में NPA में लगातार गिरावट हुई, यानी बहुत ज़्यादा NPA रिकवर कर रही है SBI। और इसी के लिए बहुत सारे जो टारगेट आए उनको मैं एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टेक का टारगेट जो दिया है उन्होंने 430 का, यानी मौजूदा प्राइस से 9.6% ज़्यादा है जहाँ तक उनके हिसाब से जाना चाहिए स्टॉक। सेकंड है JP Morgan का, जिन्होंने दिया है 440 का, जो मौजूदा प्राइस से 12.2% की बढ़त दिखा रहा है। और तीसरा है Macquarie का, जिन्होंने टारगेट दिया है 450 का और मौजूदा प्राइस से 14.7% की बढ़त की संभावना बन रही है। और फोर्थ नंबर पे है क्रेडिट स्विस, जिन्होंने टारगेट दिया है 460 का, तो मौजूदा प्राइस से 17.3% की बढ़त की संभावना बन रही है। और फाइव है UBS का, जिन्होंने टारगेट दिया है 430 का, तो 9.6% की बढ़त की संभावना बन रही है। और बाद में है सिक्स नंबर पे CLSA, जिन्होंने टारगेट दिया है ज़बरदस्त 560 का, यानी मौजूदा प्राइस से 42.8% की बढ़त हो सकती है। और सेवन नंबर पे है Jefferies, जिन्होंने टारगेट दिया है 480 का, यानी
22.4% की बढ़त अभी भी बन सकती है। और 8 नंबर पे है मॉर्गन स्टैनली, जिन्होंने टारगेट दिया है 350 का, यानी उनके कहने का मतलब प्राइस में गिरावट हो सकती है और उनका अभी जो टारगेट है उसमें मतलब 10% की गिरावट की संभावना बन रही है। तो ये पहले एक मॉर्गन स्टैनली है जो इसमें गिरावट देख रहे हैं, बाकी सबकी पॉजिटिव व्यू ही है। और 9 नंबर पे है प्रभुदास लीलाधर, जिनका टारगेट है 445 का, यानी मौजूदा प्राइस है 13.5% की बढ़त बन सकती है। और 10 नंबर पे है MK ग्लोबल, जिन्होंने दिया है 460 का टारगेट, यानी मौजूदा प्राइस है 12.2% की बढ़त की संभावना बन रही है। 11 नंबर पे है यस सिक्योरिटीज, जिन्होंने दिया है 440 का टारगेट, जो मौजूदा प्राइस है 12.2% की बढ़त दिखा रहा है। और 12 नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल, जिन्होंने दिया है 475 का टारगेट, यानी मौजूदा प्राइस से 21.1% बढ़त हो सकती है। तो इस तरह से लगातार सबके जो टारगेट आ रहे हैं वो सब पॉजिटिव है और लगातार इसमें तेज़ी की बात कर रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म हो या फिर रेटिंग एजेंसी, सब इसको लेकर बुलिश है और इसमें तेज़ी की संभावना बोल रहे हैं। तो इस लेवल पे आपको SBI में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, यह आपको बहुत शानदार प्रॉफिट आगे दे सकता है। अब हम चलेंगे PNB की तरफ। फ्रेंड्स, PNB भी बहुत ही मजबूत ज़्यादा लग रहा है, पहले हम उसके कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे के दिन PNB का स्टॉक 39 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 39.65 की और लो में चला गया 38.40 के, और एंड में जो क्लोजिंग दिया वो है 38.85 पर, करीब 0.26% अप पर क्लोजिंग, यानी बिल्कुल कारोबार SBI के जैसा ही हुआ है, थोड़ी नॉर्मल पॉजिटिव क्लोजिंग है और जैसा बाजार था उसी हिसाब से इसने भी क्लोजिंग दी है और यह भी बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है। PNB का स्टॉक इस लेवल से बहुत ज़्यादा, इसके जो टेक्निकल लेवल बता रहे कि ये बहुत ज़्यादा बुलिश है और बहुत जल्द इसमें बड़ी तेज़ी बनने वाली है। अभी ये अपने 52 वीक हाई से करीब 30.96% डाउन पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से बड़ी बढ़त की संभावना अभी भी बन रही है और वॉल्यूम में भी इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात, PNB ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। PNB ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत वो मैक्सिमम 2 करोड़ तक का लोन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डीलरों को देंगे और इस MOU के तहत कम ब्याज दर पर उनको लोन उपलब्ध कराया जाएगा और यह लोन मैक्सिमम 2 करोड़ का रहेगा विद 0 मार्जिन। इस स्कीम के तहत जिनके पास कम से कम 5 साल या उससे अधिक की डीलरशिप IOC की है, उन्हीं को यह लोन बांटा जाएगा और उन्हें किसी भी प्रकार की जमानत या सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उनके पास IOC की पार्टनरशिप या उनके साथ डीलरशिप की एग्रीमेंट होनी चाहिए। और यह MOU स्पेशली करके MSMEs के लिए है और जो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा कारोबार इफेक्ट हुआ है और उसको फिर से पटरी पे लाने के लिए PNB और IOC की तरफ से एक बड़ी कोशिश की गई है और इनको लोन बांटा जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक तरह से कारोबार को पटरी पे लाने का एक तरीका है, दूसरी बात PNB को बहुत ज़्यादा कारोबार मिलेगा क्योंकि पूरे IOC के पूरे हिंदुस्तान में डीलरशिप की एक पूरी जाल फैला हुआ है और कारोबार इनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस MOU के तहत अब आने वाले समय में PNB के पास लोन बांटने के लिए बहुत सारे कस्टमर आ चुके हैं और उनको अपने कारोबार को अच्छे से वो बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसका जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो 100% बाय की कॉल दे रहा है, मतलब लोग इसको 100% खरीदना पसंद कर रहे हैं, सेल 1% भी नहीं। इसका मतलब PNB में आगे बड़ी तेज़ी बन सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए PNB खरीदना चाहते हो तो आपको 39 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन इसमें 37.50 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्योंकि स्टॉक उससे नीचे जाएगा तो गिरावट की संभावना बन जाती है, थोड़ा वीक लगेगा। अगर आप 37.50 का स्टॉप लॉस लगा के इसको खरीदते हो तो इसका टारगेट 42 का है शॉर्ट टर्म, तो आप शॉर्ट टर्म में इसको खरीदारी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ज़्यादा मालामाल कर सकता है। तो ये दोनों स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है बैंकिंग सेक्टर के और आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए और आपका नज़रिया लंबा रखें, इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।